हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्यूरियस अड्डा। आज की वीडियो में हम ब्रेन के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम सर्जरी देख लेते हैं। तो ये ब्रेन है जिसको निकाला गया है ह्यूमन बॉडी से, और आपको इसमें क्लियरली ब्रेन आपको क्लियरली दिख रहा है। ये एक एनाटॉमी है ब्रेन की। ये जो पार्ट है यह मिड ब्रेन का पार्ट है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ऑब्लिगेटा इसके ऊपर पाया जाता है। ये सेरिबेलम है, दो सेरिबेलम पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। और ये हमारा सेरिब्रम है। ये चीज़ हमारी लोब्स हैं जो हमारे सेरिब्रम में पाई जाती हैं। फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब है जो इसमें क्लियरली शो हो रहा है। इसमें क्लियरली शो हो रहा है कि ये ब्रेन है, ये जो पार्ट्स है। आज की वीडियो में हम जानना था कि ब्रेन क्या है। ब्रेन जो है ये हमारा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ये देखो, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके टू पार्ट होते हैं, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जो हमारा ब्रेन है वो इनक्लोज यानी पूरे अच्छे से कवर्ड है, वेल प्रोटेक्टेड है क्रैनियल कैविटी के अंदर, जिसे ब्रेन बॉक्स ऑफ स्कल कहते हैं। जो स्कल है वही जो कवर किया रहता है। ब्रेन जो है हमारी थ्री मेम्ब्रेन्स से कवर्ड होता है, जिसे मेनिंजीज कहते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड है वो इन स्पेसेस के बीच में प्रेजेंट होता है, मेनिंजीज के बीच में प्रेजेंट होता है। यही जो फ्लूड होता है जो हम प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से और मैकेनिकल इंजरीज से। और आप क्या जानते हैं कि वेट क्या है ब्रेन का, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रेन? तो आइए जानते हैं। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो वाइटिश होता है, वाइटिश थोड़ा स्किनी कलर का होता है। ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल, बायोलेटरली यानी कि इसको टू इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका वेट 1.2 केजी से लेके 1.4 केजी तक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 73% वाटर। ये 73% वाटर से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि खूब सारा पानी पीछे जैसे ब्रेन तक जाए और जितने भी केमिकल्स का ट्रांसमिट होना है वह आसानी से हो पाए। क्या आप जानते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? ह्यूमन ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आप इस इमेज में क्लियरली शो हो रहा है कि जो ऑरेंज पार्ट है वो फोर ब्रेन दिखा रहा है, और जो ग्रीन पार्ट वो मिड ब्रेन शो कर रहा है, जो रेडिश पार्ट है वो हाइंड ब्रेन शो कर रहा है। ये थ्री पार्ट्स मिल के हमारे ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट कर। आइए सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में जान लें। फोर ब्रेन जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, 4/5 पार्ट जो है ब्रेन का वो फोर ब्रेन से बना है। इसके थ्री पार्ट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डाइएन्सेफेलॉन। तो हम जानते हैं ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, जानने दीज आर अ पार्ट ऑफ पुअरली डेवलप्ड। ये एक पुअरली डेवलप्ड पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, जो एक क्लब शेप्ड के होते हैं। मेन फंक्शन जो होता है इज़ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल को जानने के लिए, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में बात करते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, और ब्रेन का भी, जो कि दो लोब्स बनते हैं, ठीक है। जो सेरेब्रम है दो लोब्स में डिवाइड है, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो राइट और लेफ्ट में है। देखो आपने अभी ब्रेन का उसमें ब्रेन में आपने देखा होगा कि उसके दो होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक राइट में होता है एक लेफ्ट में, इसे कोई सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। मेन फंक्शन जो है सेरेब्रम का होता है रीजनिंग, स्पीच, इमोशन, लर्निंग, विजन, हेल्थ एंड टच। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथ्स पढ़ने में और सब चीज़ें फिजिक्स पढ़ने में तो आपको इन सब ये जो पार्ट है ब्रेन का ये बहुत यूज़ होता है। इसलिए और आप जानते भी हमारा ब्रेन 73% वाटर से बना हुआ है, इस वजह से हमें पानी पीते रहना चाहिए, जिस वजह से हमारा ब्रेन हमेशा मतलब फ्लफ़ी रहे, बना रहे, और सारे केमिकल एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते रहे, और दिमाग के लिए अच्छा है।
और थर्ड पार्ट है डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन जो स्मॉल रोम्बॉइडल लोब होता है जो कि कवर्ड होता है लार्ज सेरेब्रम के द्वारा। इट इज़ हॉलो फ्रॉम इंटर, अंदर से खोखला होता है। मेन फंक्शन जो है ये स्लीप में होता है, कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस एक्स्ट्रा इन सब चीज़ों में होता है। आप इस इमेज में क्लियरली शो हो रहा होगा सेरेब्रम, जो ये फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरिएटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब, ये पूरा जो है ये सेरेब्रम बनाते हैं। इसी में ऑल्फैक्टरी लोब भी पाया जाता है। और इस इमेज में आपको शो करवाते हैं डायनसेफलॉन। आपको ये जो है जो बैगनी कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये डायनसेफलॉन है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो सेरेब्रम है ये डायनसेफलॉन को पूरी तरीके से कवर किए रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जो एक स्मॉल पार्ट है हमारे ब्रेन का, मिड ब्रेन को मेसेनसेफलॉन भी कहते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन का जो हिस्सा है ये स्मॉल होता है, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग थिक स्टॉक होती है, वही मिड ब्रेन पूरा बनता है। ये को मेन फंक्शन जो मिड ब्रेन का है, क्या कहते हैं फोर ब्रेन को, मतलब फंक्शन के एक में से ये काम एक ये दरिया है, मतलब फोर ब्रेन के जो सेरेब्रम है और पोन्स हाइंड ब्रेन के पोन्स को कनेक्ट करने का ये कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मोटर मूवमेंट्स में होता है, जैसे कि आई और ईयर जो हमारे सेंसेस हैं। जैसे कि हमने किसी चीज़ को टच किया तो मतलब कोई गर्म चीज़ को टच किया, जैसे हम टच करते हैं तो तुरंत हम अपने हाथ हटा लेते हैं। जैसे ही जो ट्रांसमिशन होता है ये न्यूरॉन का एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन पे, तो ये जो मोटर मूवमेंट होते हैं ये मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। आपको इस इमेज में क्लियरली शो हो रहा होगा मिड ब्रेन क्या है। ये जो ब्रेन स्टेम दिख रहा है ये पूरा मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो मिड ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ मौजूद होती है। आप इस इमेज में क्लियरली शो हो रहा हो कि जो मिड ब्रेन है उसके नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है, इसी के बगल में ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाई जाती है। अब चलिए हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स वेरोली, सेरेबेलम और मेड्यूला ऑब्लोगेटा, ठीक है। तो एक चीज़ और कहनी थी, जो कुछ कुछ बुक्स में सेरेब्रम के साथ सेरेबेलम दे रखा है, ये भी एक पार्ट कुछ कुछ बुक्स में है। तो आपको कोई डाउट ना हो तो ये हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है जो कि पुरानी बुक्स में सेरेब्रम के साथ दे रखा है और 4 ब्रेन में इसको दिखाया गया है। तो जैसा आपके बुक में आप वैसा ही पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट्स, पोन्स वेरोली, सेरेबेलम और मेड्यूला ऑब्लिगेटा। और पोन्स वेरोली क्या है, ये थिक वाइट स्ट्रक्चर ऑर्डरली कवर्ड बाय द सेरेब्रम। सेरेब्रम के द्वारा पूरा कवर्ड होता है स्ट्रक्चर, मतलब कवर्ड ऑर्डर ऑर्डरली, मतलब एक तरफ से। द मेन फंक्शन इन द, इसका मेन फंक्शन जो है रेस्पिरेशन में होता है, ब्लडर कंट्रोल और चेस्ट में। रेस्पिरेशन समझ गए होंगे, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एयर। तो ब्लडर कंट्रोल का यानी यूरिनेशन में इसका मतलब मेन काम होता है, मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये एक वाइटिश कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बात करते हैं अब सेरेबेलम की। सेरेबेलम जो लार्जेस्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का, ये मेन फंक्शन जो है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन से मतलब हम ये समझते हैं कि जो एक्शंस हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे कि अपने हाथ को हिलाना, अपने पल के झपकाना, जैसे कि जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। वो इसमें आता है, सेरेबेलम कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लोगेटा, ऑब्लोगेटा में क्या है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। मेन फंक्शन जो इनवॉलंटरी एक्शंस होता है, इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि एकदम से जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, यूरिनेशन, ये सब जो ये सब चीज़ें होती हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते, तो मेड्यूला ऑब्लोगेटा ये करता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस इमेज में आपको क्लियरली शो हो रहा होगा सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड, ये पार्ट है। ओके, तो ये जो आपको इस इमेज में अच्छे से क्लियर हो गया, ये हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला। इसके बाद मेड्यूला के बाद स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग होती है। ये जो इमेज है ये ह्यूमन ब्रेन की एक आइडियल इमेज, जिसमें सारे पार्ट्स आपको शो हो रहे होंगे, तो इसको लर्न कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए कुरियस अड्डा को। थैंक यू।